हेलो एवरीवन, वेज मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल में मैदा, सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर लेकर हम एक डो तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी पसंदीदा सब्जी को छोटा छोटा करके काट लेंगे। मैंने यहाँ पर अनियन, कैप्सिकम, कैबेज एंड कैरेट लिया है। अब एक पैन में ऑयल को गर्म करें और उसमें गार्लिक, जिंजर एंड चिली को एक मिनट तक सौते कर लें। सौते हो जाने के बाद उसमें चॉप्ड की हुई वेजिस डालकर उसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। सब्जियों को हमें थोड़ा ही पकाना है। अब इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड सोया सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद तैयार किया हुआ जो डो रखा है उसको हमें मसल लेना है और उसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। गोले तैयार हो जाए तो उसके बाद हम उसको बेल लेंगे। जैसे हम पूरियां बेलते हैं उसी तरह उसको बेल लेना है। अब उसकी साइड पर थोड़ा सा पानी लगाकर बीच में वेजेस का स्टफिंग भर लेंगे और अपनी पसंदीदा शेप बना लेंगे। सारे मोमोज रेडी होने के बाद स्टीमर में ऑयल लगाकर मोमोज को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने रख दीजिए। अब हमारे मोमोज तैयार है, उसके लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 ग्लास पानी ले और उसमें 1 टमाटर, 4 रेड चिली को 5 से 7 मिनट तक उबाले। उसके बाद टमाटर का छिलका उतार ले और उसके छोटे छोटे पीसेस कर ले। अब एक मिक्सचर जार में टमाटर, रेड चिली और लहसुन के 4 कलियाँ लेकर उसकी एक प्यूरी बना ले। अब एक पैन में ऑयल को गर्म करें, उसमें टमाटर और चिली की प्यूरी को डालकर उसमें नमक, काली मिर्च, टोमेटो केचप और सोया सॉस को डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे चटनी को बैलेंस करने के लिए। उसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। मोमोज की चटनी तैयार है। उसमें ऊपर से स्प्रिंग अनियन को गार्निश करें और गरम गरम मोमोज के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।